जिनके जिम्मे गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाने का काम है, वही कोटेदार खाद्यान्न की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक कोटेदार को पुलिस ने पकड़कर उसके खिलाफ एक्शन लिया है। सिंगरौली जिले में पुलिस ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रखा है और उनकी धरपकड़ चालू है। मोरबा पुलिस ने इसी के तहत गरीबों के लिए ले जाए जा रहे शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी में संलिप्त बैरिहवा कोटेदार योगेंद्र वैस व ड्राइवर दद्दा खैरवार को 286 बोरी गेहूं से भरे ट्रक के साथ गिरफ्तार किया है। बैरिहवा पंचायत के निवासियों के कार्डधारियों के वितरण हेतु शासकीय उचित मूल्य की दुकान बैरिहवा में उतरवाने के बजाय कोटेदार योगेंद्र गेहूं को अपने गृह ग्राम चतरी में ले जा रहा था। कल दिनांक 27/10 को हमें सूचना मिली कि ग्राम बैरिहवा में एक ट्रक में जो पीडीएस का गेहूं कोटे में पहुंचना चाहिए वहां ना उतार के कोटेदार योगेंद्र के द्वारा ले जाया जा रहा है। साथ में उसका ट्रक का नंबर आया और इस सूचना पर पुलिस ने वहां पर दबिश दी। मौके पर हमें दद्दू और दद्दा खैरवार और कोटेदार योगेंद्र कुमार सिंह मिले। 226 बोरा गेहूं बरामद हुआ जो नियत गंतव्य पे ना पहुंच के और कहीं ले जाया जा रहा था। हमने इसे की कार्रवाई करते हुए ट्रक जब्त किया, दोनों को गिरफ्तार किया है। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस बात का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। अरे वीरेन, किसको जा रहा है? दादा, लोडिंग गाड़ी लेवे की सोच रहा हूँ, कागज पत्र जमा करवे जा रहा था बस। लोडिंग को का चंबल में तेराएगो? नदियों में काहे तेराएंगे, नदी के किनारे सरपट दौड़ाएंगे प्रोग्रेस वे पे। रोड ही बनेगो ना, कोई जादू तो नहीं हो जाएगो? रोड बनत है ना, रोड के साथ साथ काम धंधों के नए मौके बनत है, फैक्ट्रियों खुलवे के नए रास्ता बनत है, किसानों को फसल बेच बे के लाने नई सुविधाएं मिलत है, स्कूल कॉलेज खुलत है, होटल मार्केट बनत है, इलाके को नक्शा बदल जाते दद्दा। जो तो 400 किलोमीटर को हाईवे है, अब पिछली सरकार ने तो बंद कर दो, मनु शिवराज मामा ने आके जा फिर से प्रोग्रेस भी बना दो, जो हाईवे हमारे चंबल की भाग्य रेखा बनेगो। चलो भैया, हमें ये लोन दिलवा दो हैं? प्रोग्रेस वे पे हम भी अपना होटल खोल लेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। किस्मत को भी भरोसा है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।